1 7 69 May I come in? गणपति पापा हेलो हेलो वो मैं एक्चुअली आया था क्योंकि जानते हैं हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कम व्हाई डोंट यू टेक अ सीट ओह श्योर थैंक यू सो मच नाइस वेरी नाइस हम नए टैलेंट को चांस देना ज्यादा प्रेफर करते हैं थैंक यू वैसे तुम्हारे चार्जेस वो तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है 2-3 घंटे या फिर फुल नाइट वेल हमारी पार्टी तो फुल नाइट चलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं मैं तो पूरी रात बजा सकता हूँ बस आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिए दैट वे आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल यू नो हाँ मैं आपको अपनी जबान देता हूँ तो और मजा आएगा वो क्या है ना सेलफोन कंपनीज की तरह मैं भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव करता हूँ हाँ स्वीट आखिर आपकी खुशी में मेरी खुशी है काश हमारे हस्बैंड्स भी इसकी तरह ही सोचते बाय द वे टिक्स का क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है हम क्यों सोचे वो तो तुम्हारे पास होगा मेरे पास नहीं 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 मेरा अपना तो है नहीं क्या हम लोग भाड़े पे ले सकते ना क्या हाँ छोटा बड़ा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आसानी से मिल जाएगा बस आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि कब बचाना है और कहाँ बचाना है देखो हम तुम्हें जिस काम के लिए हायर कर रहे हैं तुम उसके लिए किसी और को हायर क्यों कर रहे हो क्या और वो भी आप जब हमने तुम्हें बताया था कि पार्टी आज है और इधर ही है क्या देखिए मेरी तो आपसे फोन पे बात भी नहीं हुई डेफिनेटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चू जब यहां से निकलोगे ना यू वोंट बी स्टैंडिंग क्या है सर अनु मैडम ने आपके लिए ये भेजा है अनु मैडम ने जी आई एम श्योर कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इज्जत गवाना किसे कहते हैं वाह आदि तुम यहाँ सुबह 4 बजे मेरे कॉल सेंटर के बाहर क्या कर रहे हो वो कॉल करने आया था कॉल करने हेलो क्या देख रहे हो कुछ नहीं कुछ नहीं देखो तुम क्या देख रहे हो मुझे सब पता है पता है तुम्हें शर्म नहीं आती शर्म तो आती है लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना How disgusting. पर तुम इन छोटे मोटे एड्स पे मत जाओ ये तो मजबूरी है इसलिए करना पड़ता है ये हॉट सीट पे तुम हो हाँ और तब से तुम इसके बारे में बात कर रहे थे हाँ क्यों नहीं नहीं कुछ नहीं तो तुम मॉडल हो नहीं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ हाँ स्ट्रगल तो तुम्हारा यहाँ भी दिख रहा है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी आई वॉज कन्विंस्ड यू हैड अ क्लीन हार्ट बस अब तुम्हारा सिस्टम क्लीन करने की जरूरत है
इट्स सो क्यूट, इसको तो फ्रेम कराना चाहिए। सेद, क्या एक 8-10 दिन में ये घर खाली कर देना? हाँ क्या तू ये चड्डी वड्डी में घूमता रहता है ना, तेरी भाभी के सामने अच्छा नहीं लगेगा। मेरी भाभी जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ और जिसने मेरा इंटरनेट का बिल बढ़ा दिया है। तू सनी लियोन से शादी कर रहा है? मैं किसी और जिस्म की बात कर रहा हूँ। सिमरन, एकदम यश चोपड़ा राज कपूर की हीरोइन जैसा नाम है ना, आजकल की हीरोइन जैसा नहीं, पकड़ी पैंटी। ये तू सिमरन से शादी कर रहा है? उसने हाँ बोल दिया? हाँ, अब हाँ बोलेगी कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना तब। अच्छा सिद्ध, सुनना हाँ। कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना तू मेरा मोबाइल पे वीडियो शूट कर। क्यों? फॉर द फ्यूचर। ईशान और सारिका भी देखेंगे ना। अब ये ईशान और सारिका कौन है? हमारे होने वाले बच्चे। तुझे 9 दिन नहीं हुए उससे मिले और तू 9 महीने की बात की प्लानिंग कर रहा है। डूड, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, तू नहीं समझेगा। मुझे बस अब उससे एक सवाल पूछना है कि विल यू मैरी मी, और उसे जवाब देना है यस। इसे तो अब सिर्फ रजनीकांत ही बचा सकता है। हाय हाय हाय। वैसे ये रेस्टोरेंट, डिनर, वाइन, कहीं वाइन पिलाने के बहाने तो मेरा फायदा तो नहीं उठाओगे? हाँ? नहीं सिमरन, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर वाइन पिलाने का क्या फायदा? चिल, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे ये सब किस लिए? मेरे घर एक शादी होने वाली है, यू हैव टू बी देयर। हाँ तुम बुलाओगे तो डेफिनेटली आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा वरना शादी कैसे होगी? मैंने तो कार्ड्स भी छपा दिए हैं। नाइस। वैसे शादी किसकी है? हमारी। व्हाट? Marry me? No. Yes, I knew it. अगर तुम्हारे parents का कोई problem है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं आदि, parents का problem नहीं है। तो कोई और लड़का है तुम्हारी ज़िंदगी में? No, it's not that. तो फिर problem क्या है? Problem ये है कि I like girls more than boys. इसको तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? Even I like girls more than boys. समझने की कोशिश करो आदि। I like girls more than boys. दोस्ताना देखिए। हाँ। जॉन और अभिषेक। यानी उधर जॉन, इधर चिगना। दिल डोला रे। मैम, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स? या, सेक्स ऑन द बीच। सॉरी मैम, आजकल बीच पे भी परमिट लगता है, धोबले साहब अलाउ नहीं करते। हाउ सैड। या एक्सक्यूज मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए ना यहाँ से, जाइए। लेकिन
इस तरह अचानक तुम्हारी टेस्ट कैसे बदल गई? तुम्हारे साथ रहने के बाद आई रियलाइज। मेरे साथ? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी आदि, प्लीज टेक केयर, बाय। ये वीडियो यूट्यूब पे राइट कर देगा। अगर तू किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में होता ना तो तू जरूर कन्वर्टर होता, कन्वर्टर। और अभी टी शर्ट उतार दे तू, इसे पहनने का हक तू बिल्कुल खो चुका है। लड़की की तरफ से तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिलता है। देख, तू उंगली मत कर, छोड़ना। लुक एट द ब्राइट साइड, तू लड़की को इतनी महंगी डायमंड रिंग गिफ्ट करने वाला था, अब उतने पैसे तो बच गए ना तेरे, है ना? एक मिनट, वो रिंग भी ले गई। देख, वो ऐसी नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। Something's wrong somewhere. Ring lagi. I don't believe this. Shit. Oh my god. Chingam bhi haath se nikal gayi. Yeah. Aur tu hans raha hai. Wo aayi to picture aayi. Wo gayi to picture bhi gayi. Ek baat to confirm hai dude ki Simran hi meri soulmate hai. बस अब मुझे ये पता लगाना है कि उसने मुझे ये स्टोरी क्यों दी। What? तू भी हाइट है यार। एक तो तुझे लड़की के लिए छोड़ के गई, ऊपर से तेरा डायमंड रिंग भी लेके गई, और तू अब भी उसे अपनी सोलमेट मानता है? तुझे तो रिप्लीज के बिलीव इट और नॉट में होना चाहिए था। हेलो, इतना हंस मत। वो रिंग तो मेरी थी, लेकिन उसके ऊपर जो डायमंड है ना, वो तेरा था। बॉस, मेरे पास कोई डाय सकरू का डायमंड? उस रिंग पर सकरू का डायमंड था? Yes. अबे साले, इस बेचारे सकरू ने इस डायमंड के लिए खून पसीना ही नहीं और भी कुछ बहाया यार। बस मुझे अभी के अभी सकरू का डायमंड चाहिए। पता लगा सिमरन कहाँ पे? पता लगा? Going to chill in Goa? इसकी स्टेटस पे लिखा है। ओह, डायमंड मिलते ही गोवा। लगता है उसने डायमंड बेच दिया। देख, सिमरन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आई अग्री, गोवा पहुंचने के बाद डायमंड बेचेगी। चल, वी आर गोइंग टू गोवा राइट नाउ, चल। गोवा? सिमरन?